निजी टाइम्स कॉलेज में बीए कोर्स के छात्रों को विगत 3 वर्षों से छात्रवृत्ति न मिलने पर छात्रों द्वारा कई बार महाविद्यालय प्रशासन एवं जिलाधीश को इस संबंध में ज्ञात कराया जा चुका है, परंतु 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही न होने पर शुक्रवार को एनएसयूआई द्वारा ज्ञापन जिलाधीश के समक्ष सौंपा गया। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष शुभम तिवारी ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राएं बिना छात्रवृत्ति के आगे का अध्ययन कार्य पूरा नहीं कर सकते एवं छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति न मिलने के कारण उनको अपना अध्यापन कार्य बीच में ही छोड़ना पड़ा है, जबकि सभी छात्र छात्राओं का कहना है कि महाविद्यालय में प्रवेश लेने के पहले बताया गया था कि आप सभी को मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के सभी नियमों का लाभ प्रदान किया जाएगा, परंतु जब हम छात्रवृत्ति फॉर्म सबमिट करने साइबर कैफे जाते हैं तो पोर्टल पर महाविद्यालय का नाम नहीं दिखता। जिलाधीश से ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि सभी छात्र छात्राओं के भविष्य का ध्यान रखते हुए छात्रवृत्ति दिलाने की कृपा करें, नहीं तो एनएसयूआई 5 दिवस पश्चात समस्त छात्र छात्राओं को लेकर एक वृहद आंदोलन करने की ओर तैयार रहेगी। ज्ञापन सौंपने वालों में एनएसयूआई जिलाध्यक्ष शुभम तिवारी, विकल्प डिक्शन, धर्मेंद्र प्रताप सिंह, अनुराग जाटव, रवि विश्वकर्मा, सिद्धार्थ सेन, सुमन विश्वकर्मा, राजा भैया सिंह, सुरेंद्र लोधी, आकांक्षा पटेल, सपना पटेल सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। देखिए ये आप हमारी सुनिए ना सर, आपकी तो हम सुन ले रहे हैं 3-4 बार सर, 3 साल से सर कोई सुनवाई नहीं हो रही सर, ये पिछला है, इसके पिछले के पिछले भी है, बताइए सर। केवल एक जगह नहीं होती है, प्रदर्शन कर दिए आपने, क्या कमिश्नर संपर्क किया क्या सर? हमने एक सुनो मेरी बात, बताओ ऐसे नहीं होता है, आप तो बहुत यूनिवर्सिटी में गए क्या? नहीं है ना सागर यूनिवर्सिटी सर, पहले इधर से तो सर कोई वो मिल जाए रिस्पॉन्स की हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग वहाँ भी जाए सर। पूरा सुनो पहले सर, बताइए बताओ गए क्या कभी? नहीं गए जी, चलो वहाँ से स्टार्टिंग में ही बोला गया था कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन किसी को नहीं मिली। और लास्ट ईयर वाले दीदी लोग भैया लोग से पूछते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ऐसा ही होता रहा है और शायद यही होगा, इसीलिए उन लोग ने तो एक्शन नहीं लिया, लेकिन हम लोग को अब लेना ही पड़ेगा। और जो फर्स्ट अभी जो एडमिशन हो रहे हैं ना, उनको बोल दिया गया कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, जिसको लेना है एडमिशन तो लो वरना मत लो। और कुछ लोगों को मजबूरी में ये डिग्री चाहिए तो लेनी पड़ रहा है एडमिशन। देखो कितने सालों से स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है, वो जब से स्टार्ट हुआ तब से मिली ही नहीं किसी को स्कॉलरशिप, जब से यहाँ दूर से लगभग यहाँ और सागर में सभी कॉलेजेस को मिल रही है, हम लोग ने पता कर लिया है, वहाँ के टीचर्स से पता किया है। सागर में जिन जिन कॉलेज में बीए है वहाँ सबको स्कॉलरशिप मिल रही है, सिर्फ पता नहीं दमोह में क्यों नहीं मिल रही है, सबको मिल रही है, रेगुलरली मिल रही है। हम लोग यही चाहते स्कॉलरशिप मिल जाए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मतलब फीस या फिर आधी कर दी जाए, क्योंकि हम लोग रेगुलरली भर रहे, क्योंकि अगर हम लोग को पेपर देने में मिलेगा 2 साल से मजबूरी में हम लोग ने फीस भरी है और अभी तक भरी, लेकिन अब नहीं, अब आधा कोर्स तो हो चुका, आधा कोर्स तक वेट कर लिया, लेकिन अब नहीं वेट कर सकते। एडमिशन लेने का जब क्या कहा था? स्कॉलरशिप मिलेगी, बहुत अच्छे से बोला गया था, हम लोग 40 और 45 बच्चे समथिंग है हम लोग। एडवांस भी पैसा लिया था एडमिशन? हाँ हमने पूरा पे किया था। कितना पे? 16,000 किया था और एग्जामिनेशन फीस अलग लगती है हर सेमेस्टर में 1,800। अभी आप लोग कितने बच्चे आए हैं? अभी हम लोग कम से कम 20-25 तो होंगे, ज्यादा ही लोग सबकी समस्या, मतलब ऐसा नहीं है कि ओबीसी या एसटी वाली अलग अलग कैटेगरी नहीं बांटी गई है, सारी कैटेगरीज को नहीं मिलती है स्कॉलरशिप, ऐसा कुछ कैटेगरी वाइज नहीं मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। इतने हम लोग एसटी एससी वाले 30 बच्चे या समथिंग, किसी को नहीं मिलती है फीस, ऐसा कुछ एड कर रहे हैं। और जब हम लोगों ने एडमिशन लिया था तो हमसे बोला गया था कि आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, और उसी बेस पर हमने एडमिशन लिया है, क्योंकि हम गरीब हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम 20,000 रुपये उनका पेमेंट भर सकें। हमने सोचा हम कुछ स्कॉलरशिप और कुछ घर से करके और पैसे हम लोग भरते जाएंगे, मगर ये नहीं हो रहा। हम लोग 2 साल से परेशानियों का सामना कर रहे हैं, और अभी कल लास्ट डेट बोला जा रहा है 23 तारीख है, और हम लोगों से बोला जा रहा है कि 10,000 रुपये भरने पड़ेंगे, हम लोगों ने बोला 5,000 रुपये भर लो, तो वो बोल रहे हैं नहीं भरेंगे। और इसी कारण ये राजा भाई जो हैं इनने पढ़ाई छोड़ दी है फीस के कारण, 1 साल हो गई सामने वाला घर में बैठा, क्योंकि उसके पास कोई व्यवस्था ही नहीं थी,
कहाँ से क्या करते। और वो ही सर हम लोगों के साथ होगा क्योंकि हम लोगों का फिफ्थ सेमेस्टर हो गया, मतलब हम लोगों को तीसरी साल जा रही, और इसके आगे जो सेवेंथ सेमेस्टर में है उनकी फाइनल होने वाली है जो सीनियर है। तीन तीन साल से स्कॉलरशिप नहीं मिली, उनको नहीं मिली, चौथी साल लग गई, बोलते हैं कोर्स कोड जनरेट नहीं हो रहा। तो हम लोगों की क्या गलती है, क्या हम लोग कोर्स कोड करवा के दें क्या जनरेट? और हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया था, कोरोना काल के पहले ज्ञापन दिया था, 181 सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की थी, सीएम हेल्पलाइन द्वारा भी कुछ निराकरण नहीं किया जा रहा है, और हम लोग इस चीज से बहुत परेशान हैं, और हम लोगों को सबको पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, ऐसे में हम लोगों को ऐसा लग रहा है। धन्यवाद। सुमन विश्वकर्मा। समस्त छात्र छात्राएं टाइम्स कॉलेज की NSVI के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराने आए हैं कि ये छात्र छात्राएं स्कॉलरशिप ना मिलने से प्रताड़ित हैं। शासन प्रशासन और महाविद्यालय प्रशासन को कई बार छात्र छात्राओं ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि दो साल हो गए हम लोगों का स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा जा रहा, क्योंकि आपने ये पोर्टल पर शो नहीं कराया और ना ही इसके फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन की उदासीनता, महाविद्यालय की उदासीनता को देखकर आज तमो NSVI के नेतृत्व में टाइम्स कॉलेज के छात्र छात्राएं जिलाधीश महोदय को अवगत कराने आए हैं कि छात्र छात्राएं गरीब हैं और उनको पढ़ना है, लेकिन ये चंद जो शिक्षा का व्यवसाय करते हैं इनको, इनके कानों पे जू नहीं रेंग रहा है कि छात्र छात्राएं OBC और ST के प्रताड़ित हैं। ये स्कॉलरशिप ना मिलने के कारण अपना एजुकेशन छोड़ चुके हैं। दो छात्र इसमें ऐसे हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप ना मिलने के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ के ये घर में अपने माँ बाप का हाथ बटाने लगे हैं। तो क्या शासन के नियम कायदों की ऐसी अवहेलना करेगा ये कॉलेज प्रशासन? ये पहले भी उच्च शिक्षा विभाग की गाइडलाइन से हटके ये छात्र संघ चुनाव नहीं करवाते हैं, ये स्कॉलरशिप पे अपना पोर्टल पे नाम शो नहीं कराते हैं। सर ऐसा कैसे चलेगा बताइए? ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन दिया गया है? सर DM साहब तो नहीं मिले, डिप्टी कलेक्टर जी ठाकुर साहब मिले हैं, उनने बोला है कि इस पे 5 दिन में हम कार्यवाही करेंगे, और सर अगर 5 दिन में कार्यवाही नहीं होती है तो सर NSVI के माध्यम से समस्त छात्र छात्राएं इतनी ठंड में, क्योंकि आपने देखा है किसान जब ठंड में बैठे हैं तो यही किसान पुत्र और पुत्रियां ये भी अपने हक के लिए अपनी आवाज को उठाएंगी और माननीय कलेक्टर साहब के ऑफिस के सामने ये धरने पे बैठेंगी, और धरना जब तक समाप्त नहीं होगा जब तक इनके पास स्कॉलरशिप नहीं आती है। धन्यवाद। जय हिंद। NSVI जिंदाबाद।